रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे में प्रकाश था। उस कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियां आपस में बातें करती हैं। पहली मोमबत्ती बोलती है, मैं शांति हूं। इस दुनिया में चारों तरफ लूट खसोट, मार काट और हिंसा का बोलबाला है। मैं यहां नहीं रुक सकती, यहां रहना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। अब दूसरी मोमबत्ती बोलती है, मैं विश्वास हूं। इस दुनिया में चारों तरफ झूठ फरेब, धोखा बेईमानी ही रह गई है। अब यह दुनिया मेरे रहने के लायक नहीं है, मैं भी जा रही हूं। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती भी इस दुनिया में बहुत दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूं। दुनिया में चारों तरफ स्वार्थ नफरत ही रह गई है। लोगों के मन में प्रेम भावना बची ही नहीं। मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती, मैं जा रही हूं। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती अभी बुझी ही थी कि कमरे में एक लड़का आ जाता है। तीनों मोमबत्तियों को बुझा देखकर लड़का उदास हो जाता है और कहता है, तुम तीनों ऐसे कैसे मुझे अंधेरे में छोड़कर जा सकती हो? तुमको तो पूरा जलना था, लेकिन तुम तीनों ने तो रास्ते में ही मेरा साथ छोड़ दिया। और लड़का बहुत दुखी हो जाता है। लड़के की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोलती है, घबराओ नहीं, मैं उम्मीद हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसने उम्मीद के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से जला लिया। हमारे जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, कभी अंधेरा तो कभी उजाला। अगर जीवन में कभी अंधेरा आए, किसी कार्य में असफल हो जाएं, मन की शांति खो जाए, विश्वास खत्म हो जाए और प्रेम ना रहे, तो हमें उम्मीद का दीपक जला लेना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर से एक नई उम्मीद के साथ प्रयास करना चाहिए। उम्मीद के बल से हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कभी उम्मीद ना छोड़ें।